हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे 1,000 सब्सक्राइबर पूरा है और 4,000 घंटे वॉच टाइम कैसे इंक्रीज करें। चलिए तो देखते हैं। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरे स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर एक भी स्टेप अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए आप पूरे इस वीडियो को देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ से आप यूट्यूब ओपन कर लेते हैं, जैसे कि मैं ओपन कर लेता हूँ। एक न्यू टैब लिए, यहाँ से सर्च करना है आपको यूट्यूब। यूट्यूब सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको एक दिखेगा, इस आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको स्क्रॉल करेंगे और सेटिंग करना है, तो सेटिंग करने के लिए पहले हमें जाना होगा यहाँ से क्रिएटर स्टूडियो में। क्रिएटर स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पे देखिए सब्सक्राइबर कितने हैं, 88 हैं और व्यू आपके 2420 हैं। तो इसको कैसे इंक्रीज आप करेंगे, तो चलिए सबसे पहले सेटिंग आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जाना है व्यू चैनल में। व्यू चैनल ओपन होने के बाद यहाँ से आप स्क्रॉल करेंगे और नीचे देखेंगे ऐड सेक्शन को क्या करना है, यहाँ से डिलीट कर लेना है। जैसे कि मैं एक बता रहा हूँ आपको कैसे डिलीट करना है, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिलीट है, डिलीट कर लेंगे। इसी तरह से जितने भी हैं सबको यहाँ से क्या करना है, आपको डिलीट कर लेना है। डिलीट, और यहाँ से भी इसको डिलीट कर लेते हैं, हम जितने भी है डॉन कर लेंगे। डिलीट करने के बाद फिर यहाँ से डिलीट करते हैं, डिलीट। देखिए दोस्तों, वीडियो इसलिए नहीं रन करता है क्योंकि लोग पहले ही आपको जो भी व्यूवर्स हैं वो देखते हैं आपके वीडियोस को कि इसका सब्सक्राइबर कम है और व्यूवर्स भी कम है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो भी सब्सक्राइब करने वाला भी होता है या कोई वीडियो देखने वाला भी होता है तो वो आपका वीडियो को नहीं देखता है और वो स्किप करके चला जाता है और सब्सक्राइब भी नहीं करता है। तो इसलिए यदि आपका वहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं, जैसे कि स्क्रॉल वहाँ नहीं करे, मतलब वहाँ पे आपका नहीं दिखा है कितने सब्सक्राइबर में नहीं दिखा है, और अपना जो भी आपका पॉपुलर वीडियो है यानी सबसे अधिक जो देखा जाने वाला वीडियो है उसको आप यहाँ से सेटिंग कर देंगे, तो ऐसे क्या होगा कि कोई भी जब आपके वीडियो को देखेगा तो पहले खोल के देखेगा ये क्या है, इस वीडियो में बिना क्वालिटी का तो कोई ये वीडियो इतना रन करेगा नहीं। तो इससे से लोग आपके वीडियो को आसानी से देख सकेंगे और आपका चैनल जो बहुत ही जल्द ग्रो कर जाएगा। चलिए तो मैं इसको सेटिंग करता हूँ। यहाँ पे आपको करना है ऐड सेक्शन पे क्लिक करना, यहाँ से सेलेक्ट कंटेंट में जाना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है पॉपुलर अपलोड्स और यहाँ पे डाउन कर देना। अब जितने भी आपके पॉपुलर अपलोड्स होंगे टोटल आपके यहाँ पे दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्या करना है कि इसमें आपको जो भी आप सब्सक्राइबर जो छुपाना चाहते हैं, जैसे दिखा रहा है, तो उसको आप यहाँ से छुपा सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, क्रिएटर स्टूडियो में जाएंगे। क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, आप चैनल्स में आ जाएंगे। यहाँ चैनल्स में आने के बाद यहाँ से स्क्रॉल कर लेते हैं, एक यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा एडवांस ऑप्शंस। इस एडवांस पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से कंट्री वगैरह सेट वगैरह है, सबसे नीचे आना है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है सब्सक्राइबर काउंट्स, सब्सक्राइबर काउंट्स, तो इसमें करना है आपको सेटिंग। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइबर टू माई चैनल, तो इस पे अगर आपका क्लिक है तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ से नीचे वाले यानी दो नंबर पे आप क्लिक करके
उसको हाइड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपके चैनल को कोई भी सब्सक्राइबर नहीं देख पाएगा कि वो कितने सब्सक्राइबर है और नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जो भी सब्सक्राइब करने वाला है इसे भागेगा नहीं, वो सब्सक्राइब करके आपके चैनल को जाएगा। एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, दूसरा सेटिंग क्या होता है। दूसरा सेटिंग आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है आपको क्रिएटर स्टूडियो में। क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से वीडियोज मैनेजर में आना है। वीडियोज मैनेजर ओपन होने के बाद आपको वहाँ क्या करना है, एक सेटिंग करना है, थोड़ा सा सेटिंग करना है। यानी जैसे एक वीडियो ओपन हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि इस वीडियो में सेटिंग करना है कि वो अच्छे से ऐसे ग्रो करे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, वो आपका वीडियो एडिट में खुल जाएगा। अब यहाँ से आप डाल सकते हैं, नीचे आएंगे और यहाँ से जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे टैग आपको डालना जरूरी है। यदि आप टैग यहाँ नहीं डालते हैं तो आपका वीडियो भी वायरल नहीं होगा और इसे और लोग नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि टैग अपना डाल देंगे, और यहाँ डिस्क्रिप्शन से भी ज़रूर डालेंगे टैग अपना, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपको टैग डालना है। टैग डालने के बाद यहाँ से सेव चेंज पे क्लिक कर देना है, या आप इसमें कुछ एंड स्क्रीन वगैरह, पहले आप क्या करेंगे सेव चेंज पे क्लिक कर देते हैं, फिर मैं दूसरा आपको सेटिंग बताता हूँ। नेक्स्ट सेटिंग है, यहाँ पे आपको कार्ड्स में जाएंगे और जो भी वीडियोस को आप अपना कार्ड में सजेस्ट करना चाहते हैं यहाँ से कार्ड में सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे ऐड कार्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप ऐड कार्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से चैनल लिखा हुआ है पोर्ट अथी पोल है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, चैनल पे क्रिएट करना है, वीडियो और प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। सॉरी, वीडियो और प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ से जो भी आपका पॉपुलर वीडियोज है उस, या जो भी आपका ग्रो नहीं कर रहा है उस वीडियोज को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, CCCVBI कंप्यूटर क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हम क्रिएट ऐड कर देते हैं। अब यहाँ से इसको हम सेव चेंज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका वीडियो ग्रो करेगा आसानी से इस चीज़ को। जैसे मैं आपको एक डेमो भी दिखाता हूँ, लाइव डेमो। तो ये सेटिंग हो चुका है, अब यहाँ से हम माय चैनल में आ जाते हैं। माय चैनल पे आएंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका रिसेंट पोस्ट यानी पॉपुलर वीडियोज आपका दिखाएगा, जो सबसे अधिक वीडियोज को देखा गया वैसे वीडियोज को ही पहले दिखाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपके वीडियोज को पूरा डाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, और जितना जल्दी हो इस वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो साथ साथ आपको भी नॉलेज मिले और दूसरे को भी नॉलेज मिल सके। अपने दोस्तों के साथ भी यह शेयर करें, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।